नहीं होता, सुकून से आ जाता है। दूसरा ये होता है कि इस तरह पैक्ड होता है इंजन, तो सुथरी गाड़ी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहुत संभली हुई गाड़ी है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं एनर्जी के साथ। मैं इस वजह से स्टार्ट लिया है क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ी एनर्जी अपने अंदर लेके आई जाए। मैं आज वर्कशॉप थोड़ा सा देर से आया, काम आज का हो चुका है और मैं आपको दिखाऊँगा आज के दिन की, और एक नई अपडेट भी है इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। हमारे पास 3 नए प्रोजेक्ट्स आए हैं और उसके अंदर हम कौन सा सेटअप कर रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, और कोशिश करेंगे क्योंकि उसका एक आध हल मैंने निकाला है। तो जो पीछे हमें एक दो चीज़ें थी उन चीज़ों का हमने हल निकाला है प्रॉपर, और अब हम उसके ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिया है। कैन बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और कैन बॉक्स और डिजिटल मीटर, ठीक है। अब पहले मैं आपको जो बताता था कि यार उसमें हमें वायरिंग्स का मसला, लूज़ वायरिंग्स का मसला आता था, अब मैंने उसका प्रॉपर हल निकाला है और अब इंशाल्लाह हम उसको उस हिसाब से जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दिखाने लगा हूँ जिन जिन के ऊपर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन जिन गाड़ियों के ऊपर हमने काम करना भी है, तो वो सब कुछ मैं आपको आज आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। ये आ गया हमारा जनाब अली इंजन। अब इंजन के बारे में आपको बताता चलूँ, हमारा अपना वेयर हाउस है, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट हमारी अपनी है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम कोई भी स्मगल शुदा इंजन का काम नहीं कर रहे, जो कि आते हैं तोरखम से या फिर जनाब अली आते हैं जो वेश बॉर्डर है क्वेटा के, वहाँ से वो सस्ते इंजन होते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है, क्योंकि वो दुबई से आते हैं, जापान से दुबई जाते हैं कंटेनर में और वहाँ से स्मगल्ड हो के आते हैं, उसके ऊपर ड्यूटी पे नहीं हुई होती। बहुत सारे मार्केट में लोग वो इंजन चला रहे हैं, और दूसरा एक तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं पे हुई होती, दूसरा इसमें एक और सीन ये है कि वो इंजन इस तरह से पैक्ड नहीं होते जिस तरह से ये आपको अभी नज़र आ रहा है। ये जापान से हम इसी तरह पैक करके लेके आते हैं जिसमें ईच एंड एवरीथिंग पूरी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। साफ़ सुथरा इंजन होता है, कंटेनर से आता है इधर जापान से कंटेनर में आता है, ठीक है, और वो कंटेनर सीधा सीधा इधर खुलता है हमारे पास कच्चा स्टॉप पे, और उधर से हम अपना सामान अपने वेयर हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज, दो एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो आपका जो इंजन होता है वो रुला नहीं होता, ठीक है, वो फेंका गया नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता, सुकून से आ जाता है। दूसरा ये होता है कि इस तरह पैक्ड होता है इंजन, तो साफ़ सुथरा इंजन होता है, बेहतरीन इंजन होता है। इसके अलावा वायरिंग इसके साथ अपनी लगी हुई होती है, टग इन वायरिंग होती है प्रॉपर, ठीक है, उसके साथ सारे कंप्यूटर और ईच एंड एवरीथिंग, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा सेटअप, ठीक है। ये इस तरह से हमारे जो इंजन हैं वो आते हैं, साफ़ सुथरे इंजन होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ जिन चीज़ों को के ऊपर मैं पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, और अभी भी मैं इंशाल्लाह नहीं करूँगा, उसका हमने जो हल निकाला है और प्रॉपर उसको हम लगाएंगे। ये जनाब अली आ गया आपका कैन बॉक्स, ठीक है, ये कैन बॉक्स आ गया, और ये जनाब अली आपका आ गया डिजिटल मीटर, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो हैं ये लोग अक्सर मार्केट में लगाते हैं इस मीटर को ऑन करने के लिए, ठीक है। ये कैन बॉक्स इस मीटर के ये जो है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है, ये इसको लगाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। जैसे अब ये गाड़ी है हमारे पास आई है 2011 मॉडल की, ठीक है, 2011 मॉडल की गाड़ी है, इसके अंदर हम सेटअप लगा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे एक इंजन हम ऑलरेडी वो दूसरी गाड़ी में लगा रहे हैं, और ये इंजन हमारा ऑलरेडी आज लग गया है। साफ़ सुथरी गाड़ी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहुत संभली हुई गाड़ी है, 2011 मॉडल की गाड़ी है। अब हमने क्या करना है, ये जनाब अली लोग लगाते हैं कैन बॉक्स उस जगह पर कोने में, उधर से कुछ तारें लेके आते हैं इधर मीटर के लिए, ठीक है, और लूज़ वायरिंग के साथ गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपरली टग इन करेंगे। एक तो मैंने पहले, क्योंकि इसकी जगह बनानी है प्रॉपर, ठीक है, ताकि बोल्ट ऑन आ जाए। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ काम लेके आऊँ, बोल्ट ऑन नहीं होगा तो मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं जाऊँगा। और एक और चीज़, ये कैन बॉक्स का हो गया, ये हम प्रॉपर टग इन करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में इस गाड़ी की, क्योंकि आज मैकेनिकल काम हुआ है, सुबह इलेक्ट्रिकल होगा, तो मैं आप लोगों से इसके बारे में शेयर करूँगा।
तो आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखना है। आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, जो कि पहले मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका एक हल निकाला है प्रॉपर, और उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। प्रॉपर टग इन वायरिंग होगी, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की वायरिंग हम डालेंगे। लोकल वायरिंग्स लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अगर एक भी स्पार्क हो गया तो आपकी 10-11 लाख रुपये की, 12 लाख रुपये की गाड़ी जो होती है वो जो है वो जलने का ख़तरा उसमें होता है। तो मैं पहले अभी और अभी भी हम अपनी कन्वर्जन में ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेते। हम इस तरह नहीं कर सकते कि भाई गाड़ी दें और अगले वो जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम्स करें, पहली बात। दूसरी बात ये है, अब ये आ गया डिजिटल मीटर। अब ये जो डिजिटल मीटर है ये है छोटा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आप ये कह लें ये जो मीटर है, ठीक है, VXR का। इसमें हम लगाते थे RPM वाला मीटर, ठीक है, जो कि आपको प्रॉपरली बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ आता था, ठीक है, वो बिल्कुल बोल्ट ऑन आता था। ये लोग अक्सर मैंने, क्योंकि कुछ गाड़ियों में लगे हुए हैं, लोगों ने लगाए हैं, लोगों ने क्या किया कि इसको बिल्डिंग वायर्स के साथ बांधा हुआ होता है, ठीक है, और वो चीज़ भी काबिले कबूल नहीं है मेरी नज़र में। स्पेशली आप अगर इलेक्ट्रिकल काम करें, जैसे मेरी वर्कशॉप है इसमें मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी जो वायरिंग्स हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, या उसकी टग इन प्रॉपर ना हो तो मेरी ये पूरी वर्कशॉप जो है ना वो रिस्क इसके लिए बन सकता है, आग पकड़ सकती है, 100 चीज़ें और हो सकती हैं। तो आपने कन्वर्जन में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है, और इसका भी मैंने हल निकाला है। अभी अगर मैं बताऊँगा आपको तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जब लगेगा बेहतरीन सेट होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई हमने क्या किया इसके साथ। तो ये सीन है सारा। जो जहाँ तक एवरेज की बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार जनाब अली इससे कैन बॉक्स से एवरेज मिलती है, कैन बॉक्स से एवरेज मिलती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये कैन बॉक्स है। अब ये जो चीज़ है इसके अंदर जो फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे आप देख रहे हो फ्यूज़ बॉक्स हैं या फ्यूज़ हैं, ठीक है, रिलेज हैं, लेकिन ये हमारी ज़रूरत की नहीं है। हमें सिर्फ एक फ्यूज़ और एक जो है रिले वो चाहिए सिर्फ इस मीटर को ऑन करने के लिए, स्विच को ऑन करने के लिए, ताकि ये मीटर ऑन हो, ये मीटर ऑन होगा तो हमारे काम आएगी ये चीज़, ठीक है, ये सिर्फ इस मीटर को ऑन करने के लिए है, दैट्स इट। जो एवरेज है, जहाँ तक एवरेज की बात है, वो पहले भी जो हमने इसके बग़ैर इंजन लगाए हैं वो 17-18 की एवरेजेस दे रही हैं लोगों को। कैटलेटिक कन्वर्टर जो है वो उसमें काफ़ी जो है ना वो फ़ायदामंद और असरअंदाज होता है इन चीज़ों में, ठीक है। जिन लोगों ने कैटलेटिक कन्वर्टर के साथ लगाए हैं उनको 18-18.5 की गाड़ी एवरेज देती है, कैटलेटिक कन्वर्टर नहीं लगाया तो उनको लोकल में 16 की एवरेज आराम से मिल जाती है। 2 से 2.5 किलोमीटर का कैटलेटिक कन्वर्टर का काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी गाड़ी के ऊपर। तो ये बात भी आपको मैंने कम्प्लीटली समझा दी है। ये आप जितने भी रिलेज हैं, ठीक है, जितने भी ये रिलेज हैं, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिस गाड़ी में आए हैं उस गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट, उस गाड़ी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल, उस गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स, उस गाड़ी के अंदर छोटे छोटे जो हीटेड सीट्स हो गई, इलेक्ट्रिक सीट्स हो गई, उनको ऑन करने के लिए ये कैन बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है, ये कैन बॉक्स यूज़ होता है। तो लोग ये है कि अब इसके अंदर आपको शशका सिर्फ ये मिलता है इस इंजन के साथ, ये आपको डिजिटल मीटर आपको एवरेज शो करेगा। तो इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, ये सेटअप हमने इस गाड़ी के अंदर लगाना है, और ये जो सेटअप है ये हमारे पास एक और अल्टो आई है, अल्टो VXR आई है, ठीक है, तो इस गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल करना है। और इसके अलावा एक और अदद मेहरान हमारे पास कन्वर्जन के लिए आई है, जिसमें भी कस्टमर ने आज हमें बोला कि यार आप हमें थोड़ा शशका चाहिए कैन बॉक्स के साथ हम सेटअप इंस्टॉल करके दें, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। अब ये है कि जो वायरिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ हो और गाड़ी में बिल्कुल बोल्ट ऑन चीज़ें आ जाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता इसमें अगर लूज़ वायरिंग हो गई या इस मीटर के अंदर लूज़ वायरिंग हो गई तो इसकी वजह से अगर एक स्पार्क भी होता है, इस चीज़ की वजह से एक स्पार्क भी होता है, तो खुदा न खास्ता आपकी पूरी गाड़ी जो है ना वो डैमेज हो सकती है। और इस चीज़ के ऊपर हम लॉन्ग रन के ऊपर कोशिश करते हैं कि मैं पहले भी डाल सकता था, लोगों को कह सकता था कि हाँ भाई डालें और हम लूज़ वायरिंग के साथ, लेकिन जब तक एक चीज़ का कन्वर्जन में मैं हमेशा, मेरी आदत ये है पिछले 3 सालों से, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी ये जानते होंगे कि जिस चीज़ का हमने हल ना निकाला हो
तब तक वो हम काम नहीं करते। जब हम उसका हल निकाल लें, उसको सेट करें और हमें 100%, मुझे स्पेशली 100% 110% श्योरिटी हो जाए कि अब ये हमें डैमेज नहीं देगी, ठीक है, या हमारी गाड़ी को डैमेज नहीं देगी, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप फ़र्ज़ करें, जो भाई कहते हैं यार शाह भाई डिजिटल मीटर नहीं लगा रहे, तो अब हम डिजिटल मीटर लगा रहे हैं और कैन बॉक्स आपको लगा के दे रहे हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको ये लगता है कि भाई कैन बॉक्स से एवरेज बढ़ती है, तो आज मैं आपको लगा के दूंगा। तो बाकी ये सीन है सारा। इसके अलावा बाकी गाड़ियों में भी कन्वर्जन के काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। महरान हमारी जो है ना, रेड जो महरान है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा जनाब अली हमारी जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो भी उसमें कन्वर्जन के काम चल रहे हैं, साथ साथ हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और ये महरान जो है ये हमारी इंशाल्लाह इसके सिलेंसर का काम सारा कुछ हो गया। मैनुअल 660 सीसी में है, इसको भी हम ऑन रोड करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये जो सेटअप है महरान में, मैन्युफैक्चरिंग कुछ फॉल्ट्स आए हैं, मैंने काफ़ी महरानें की हैं, उसमें ये जो सेटअप है कुछ गाड़ियों के अंदर ये सेटअप नहीं इंस्टॉल हो सकता। उसमें बोनट की जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। मैंने कुछ जो पुरानी महराने हैं 2005 तक तकरीबन मैंने ये नोट किया है कि उसके अंदर हम ये जो सेटअप है इसकी, क्योंकि हाइट थोड़ी सी बड़ी है, 1-2 इंच 3 इंच का फ़र्क है इसके मुकाबले में, दूसरी जो एयर इनटेक और सारा कुछ है वो इसके अंदर इजीली महरान में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि फिर आपको बोनट नहीं बंद हो सकता। तो उसके लिए हम हल ये करते हैं, उसकी मेजरमेंट करके हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर इंजन कौन सा लगेगा, तो हम फिर उस अकॉर्डिंगली उस सेटअप के साथ हम उसमें इंजन इंस्टॉल कर देते हैं। दोनों फोर स्पीड हैं, ठीक है, दोनों की फीचर्स सेम है। तो ये सीन है, बड़ी मैंने आज बात कर ली है और एक ही सांस पे ना, मेरी आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, फ्लू है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मैं हल्का हल्का सा डाउन हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको फील नहीं हुआ होगा। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो, इट्स नेवर एवर एवर एवर